अपने मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद देना इसलिए चाहता हूँ कि कल शब बारात का वो मुबारक दिन है जिसमें हम सब मुसलमान लोग रात भर अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करते हैं और अल्लाह तबारक ताला अपने फरिश्तों के ज़रिए आवाज़ लगाता रहता है कि ऐ बंदो, कोई है जो हमसे सच्ची तौबा करे, मैं उसकी तौबा कबूल करूँगा। कोई है हमसे जो माफ़ी मांगे, जो रोज़ी तलब करे, मैं उसे रोज़ी अता करूँगा। एक साल के तमाम लोगों के आमाल रब की बारगाह में पेश किए जाते हैं और मैं उन तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा कि कल शब बारात में जो भी इबादत है आप अपने घरों में करें, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन पूरा भारत देश इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से परेशान है और हुकूमत ने जो लॉकडाउन नाफिज़ किया है और हमारे ज़िला प्रशासन दरभंगा में खासकर, हमें इस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह की इबादत में दिखावा नहीं होना चाहिए। आप मस्जिदों में ना जाएं, कब्रिस्तानों में ना जाएं और अपने घर में जितनी इबादत हो सके आप अल्लाह के बारगाह में करें और रब से दुआ भी मांगें कि अल्लाह तबारक ताला इस महामारी से हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को निजात दिला दे इस बीमारी से। और अभी इसी महामारी में देखता हूँ कि हर जगह लोग अपने तौर पर लोगों, गरीबों की मदद करें। जो रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है। उसी सिलसिले में अंजुमन कारवाने मिल्लत, जिसका मैं अध्यक्ष भी हूं, आज ये सातवां दिन है जो डेली यहां कम्युनिटी किचन हम लोगों ने चालू किया हमारे तमाम मेंबरों ने मिलकर, और सातवां दिन आज डेली 350 से 400 लोगों का खाना पैक होकर उन ज़रूरतमंदों के बीच में पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि जो वाकई उसके हकदार हैं। मैं सबकी भूख तो नहीं मिटा सकता, लेकिन कोशिश होती है कि जहाँ तक हम उसको पहुँचा सकें पहुँचा दें। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मस्जिद हो या कब्रगाह हो और घर में क्या अंतर होता है जो लोग नमाज पढ़ेंगे या कल सब इबारत मनाएंगे? देखिए, अल्लाह की इबादत के लिए मस्जिद बनाई गई, वो रब का घर है, वहाँ इबादत करने की फजीलत ज़्यादा है। और फ़र्द नमाजों के लिए ये हमारे ऊपर हुक्म है कि हम मस्जिदों में नमाज अदा करें जमात के साथ, लेकिन मुल्क के हालात ठीक नहीं, हमें उसको भी ध्यान में रखना है। और हमने कई दो जुमा जो गुजरा है हमने हुकूमत के इस बात को माना है, क्योंकि देश हमारा है, ये लोग हमारे हैं और देश इस वक्त मुश्किल हालात से गुजर रहे, इसलिए हमें उस पर भी अमल करना है। हमने फ़र्द नमाजों को घरों में अदा किया और जो कब्रिस्तान में जाने का या मज़ार पर जाने का ये मुस्तहब इबादात हैं, इसे हम घर से भी अपने मुर्दों के लिए फातिहा करके, कुरान पाक पढ़ के इसाले सवाब पहुंचा सकते हैं। यहाँ जो आप लंगर चला रहे हैं, यहाँ के लोग खा रहे हैं या आप कहीं दूसरे जगह भेज रहे हैं? नहीं, कई जगह जा रहा है जहाँ ज़रूरतमंद है। हमारे वार्ड में भी कई लोग हैं, उसके बाद बल्लोपुर है, भैलूचक है और भीगो वगैरह करमगंज एरिया में, जहाँ जहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं हम लोग वहाँ जाकर पहुँचा। बनाने वाले लोग और बांटने वाले लोगों का क्या सेफ्टी रहता है? देखिए, बनाने वाले लोग जो हमारे पास हैं या जो भी आते हैं जब बनाने के लिए, सबसे पहले तो मैं उनका हाथ धुलवाता हूँ अच्छे से, सैनिटाइज से हाथ साफ करवाता हूँ, मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंस रख कर ये खाना भी बनता है और सोशल डिस्टेंस रख कर खाना बंटवाया भी जाता है। मैसेज क्या देना चाहते हैं युवाओं को जो खासकर घर से बाहर निकल जाते हैं? मैं तमाम, बल्कि हर तबके के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी जाति धर्म के लोग हों, लॉकडाउन का पालन करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक अच्छे और एक सच्चे भारतीय होने के नाते हमें इसका पालन करना चाहिए। नौजवानों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जब तक इसको फॉलो नहीं करेंगे, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, डॉक्टर बाद में इलाज करेगा, इसका इलाज असल ये है कि आप अपने लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, गली मोहल्ले में इकट्ठे होकर भीड़ ना लगाएं। क्या नाम हुआ? रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल रहे। कौन सा जगह है ये? मोहल्ला फैजुल्ला खान, वार्ड 29।